अगले से विंटर गेम को होस्ट करने जा रहा है सऊदी अरब, जो कि 2029 में होगा। इससे पहले कोई भी अरेबियन कंट्री में ऐसा नहीं किया गया। इसका रीजन था मिडिल ईस्ट के कंट्री में पड़ने वाला हॉट वेदर, बट सऊदी अरब ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है कि वह अगले ऐसे विंटर गेम को होस्ट करने जा रहा है। जैसे हम सबको पता है कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ क्रूड ऑयल और गर्म रेगिस्तान के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो पृथ्वी पर से 2050 तक क्रूड ऑयल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अमेरिका के बाद सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, लेकिन अगर तेल की डिमांड ही खत्म हो जाए तो इससे सबसे ज्यादा झटका लगेगा सऊदी अरब की इकोनॉमी को। सऊदी अरब की सारी दौलत यहाँ से निकलने वाली क्रूड ऑयल की बदौलत है, लेकिन जब कोई तेल का यूज ही नहीं करेगा तो सऊदी अरब की सारी इकोनॉमी बुरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। और जहाँ तेल की जगह सोलर या फिर साइंस की नई टेक्नोलॉजी का लोग यूज करने लग जाएंगे, जो हमारे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों के लिए यह एक बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए सारे देश अपने आप को तेल से डाइवर्ट करने में लगे हैं। वही सऊदी अरब की सरकार को पहले से पता चल चुका था कि आने वाले समय में अगर अपने आप को तेल से डाइवर्ट नहीं किया तो सऊदी अरब का कोई फ्यूचर नहीं, जिसके चलते सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने 4 नए मेगा प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट कर दिया। अगर यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में सक्सेस हो जाता है तो सऊदी अरब आज से भी ज्यादा पैसे वाला शहर बन जाएगा, क्योंकि अपने आप को वो ज्यादा एडवांस करने जा रहा है, जिसके बदौलत सारे देश के विजिटर इनकी ओर अट्रैक्ट होंगे। इन सब बड़े प्रोजेक्ट में द लायन सिटी, ओक्साकोन, द मुकाब और ट्रोजना शामिल है। सऊदी अरब के यह एडवांस सिटी ट्रोजना बाकी प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा अलग होगा। आने वाले समय में सऊदी अरब एक विंटर स्पोर्ट सेंटर की निर्माण की उम्मीद कर रहा है। इसका मतलब है कि गर्म जलवायु में खड़ी देश में पर्यटक कई किलोमीटर तक बर्फ में स्केटिंग कर पाएंगे। रेगिस्तान के बीचों बीच बर्फ में फिसलना या सुनने में नामुमकिन जैसा लगता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। गर्म जलवायु के बावजूद सऊदी अरब साल 2029 में ऐसे विंटर गेम को होस्ट करने के लिए तैयार है। यह एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा जो अपने विपरीत क्लाइमेट के बावजूद यह दुनिया की कुछ सबसे मशहूर बर्फीले जगहों की बराबर कर सकता है। ट्रोजना का निर्माण सरावत माउंटेन में लाल सागर के तट से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूर में बनाया जाएगा। यह सिटी न्यूयॉर्क से 33 टाइम बड़ा होगा। आसान शब्दों में कहे तो ट्रोजना दुबई से 2 गुना बड़ा होगा, जो पूरी तरीके से माउंटेन के ऊपर बनाया जाएगा। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी भी पहाड़ों को नहीं काटा जाएगा। यह एक एडवांस सिटी होगा जिसके बीचों बीच फ्रेश वाटर लेक को भी निकाला जाएगा। इस पूरे सिटी में एक खास टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिसमें 50% रियलिटी और 50% कंप्यूटर जनरेट सिस्टम होंगे। यहाँ पर पूरा साल आउटडोर स्पोर्ट माउंटेन स्पोर्ट होगा। साथ ही यहाँ की टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होगा, जिसके बदौलत यहाँ पर सारे होटल और रेस्टोरेंट अधिक से अधिक ऊंचाई पर बनाया जाएगा, जिसके चलते ट्रोजना सिटी तपती गर्मी में भी ठंडा रहेगा और यहाँ पर पूरा साल कुछ न कुछ गेम चलता ही रहेगा। ट्रोजना सिटी पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर डिपेंड रहेगा। इस सिटी के अंदर कई काम रोबोट के द्वारा भी किया जाएगा। ट्रोजना सिटी के 33,000 स्क्वायर फीट में होटल और रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। साथ ही ट्रोजना के 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे, एक्सप्लोर, डिस्कवर, गेटवे, फन, रिलैक्स और वैली। यह हर एक जगह एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होगा, जिससे विजिटर अपने मूड के हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं। दिसंबर से मार्च के बीच में सऊदी अरब एशिया विंटर गेम को होस्ट करेगा, जिसमें 33 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें स्पोर्ट, फिल्म फेस्टिवल, कॉन्सर्ट और फैशन वीक जैसे इवेंट होंगे। मार्च से मई के बीच में ट्रोजना एशिया विंटर गेम को होस्ट करेगा, जिसमें पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, विंटर स्पोर्ट होंगे। ट्रोजना पर एक लेक भी बनाया जा रहा है, जो कि पूरे तरीके से गेम के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस जगह की लोकेशन बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि सारे देश के 40% लोग यहाँ पर सिर्फ 4 घंटे में आ सकते हैं। ट्रोजना सिटी को 2026 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। सऊदी अरब की माने तो यहाँ पर हर साल 70 लाख विजिटर आने वाले हैं। अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो सऊदी अरब आज से भी ज्यादा पैसे वाला शहर बन जाएगा। लेकिन ट्रोजना सिटी के लिए एक प्रॉब्लम है, इतने बड़े लेवल में यूज होने वाला टेक्नोलॉजी आज तक बना ही नहीं है। क्या यह पूरा ट्रोजना सिटी सोलर एनर्जी से चल पाएगा, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप गाइस यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।